एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, ये चलो क्या हो जाए, हो गए। ये ठीक है। अरे मम्मी जी, ये सूट साड़ियाँ किस लिए निकाल रखी हैं आपने? अरे अब लेन देन को चाहिएंगी ना फंक्शन में साड़ी, अब जो घर में हो जाएंगी उतनी बढ़िया। हाँ वो भी है, वैसे ये तो वही कपड़े लग रहे हैं जो आपको शादियों में मिले थे। हाँ वही हैं, अब मुझे तो सिलवानी नहीं थी, अब काम आ जाएंगे। पर मम्मी जी ये तो सारे हल्के हल्के से कपड़े नहीं रहेंगे। हल्के ले, हल्के कहाँ हैं, और वैसे भी लेन देन में तो ऐसे ही चलते हैं। अब कम रहेंगे तो ऐसा करूँगी, त्रिनंद को बुलाया मैंने, वो आएगी तो उसके साथ जाके ले आऊँगी। ठीक है, जो आपको ठीक लगे। ठीक है ना सब, चल जाएंगे। हाँ ठीक ही है। और भाभी आपके घर से कौन कौन आ रहा है? बस दीदी वो मैंने बहनों को बुलाया, भैया भाभी आ जाएंगे, अब मम्मी पापा ने तो मना कर दिया आने को। क्यों, खर्चे के मारे? जी मम्मी जी, मेरा कहने का मतलब है आएंगे तो खर्चा ना हो जाएगा उनका ज़्यादा। मम्मी जी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो वो ज़रूर आते दोनों के दोनों, अब मम्मी को उनके मारे रुकना पड़ेगा। और रही बात खर्चे की ना, वो खर्चा उतना ही करेंगे जितना उन्हें करना था, भैया भाभी के हाथ सारा भिजवा देंगे वो। अरे मम्मी क्या आप भी। अच्छा ये बताओ, ये कपड़े किसके लिए निकाले थे आपने? अरे ये तो मैंने तेरी भाभी की बहनों के लिए और उसकी भाभी के लिए निकाले थे, अब आएंगी खाली हाथ थोड़ी भेजूंगी, अच्छी लगूंगी मैं ऐसे। देखो मम्मी, इन कपड़ों में से मैं नहीं लूंगी, कभी सोचो कि मैं इनमें से छाट लूंगी, तू मत लेना इनमें से, मैं ऐसा करूंगी तुझे दुकान पे ले चलूंगी, अपनी पसंद का सूट छाट लियो खुश। ये क्या मम्मी जी, मेरी बहनों को ऐसे आए गए कपड़े पकड़ाओगे और दीदी को आप दुकान पे ले जाके उनकी पसंद के कपड़े दिलवाओगी? हाँ तो, अरे भतीजे पे तो बुआ का अधिकार ज्यादा होता है और नेक का भी अधिकार ज्यादा होता है। हाँ बहन कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। और तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी? हाँ सब बढ़िया चल रही है। हाँ टाइम से पहुँच जाना प्रोग्राम में, कभी देर कर दे। अच्छा बहन, मैंने तो ये पूछने के लिए फ़ोन किया था, अब मुझे तो पता नहीं है क्या क्या लेके आना है, तू बता दे एक बार। बहन पता तो मुझे भी नहीं है, मैं ऐसा करती हूँ तेरी है ना बात करवा देती हूँ मम्मी जी से, उनसे ही पूछ ले। अच्छा चल रहा तो मेरी बात करवा दे मौसी जी से। हाँ ठीक है, अभी करवाती हूँ। चिंता मत कर, मैं तुझे सब दिलवा दूंगी। हाँ ले कर ले। मम्मी जी वो मेरी बहन का फ़ोन है, पूछना चाह रही थी क्या क्या लेके आना है, बता दो उनको। हेलो मौसी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मौसी जी मैंने है ना बस ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि अब जैसे मैं आऊँगी तो मुझे क्या क्या लेके आना है आप बता देते, अब मुझे तो पता नहीं है, आप समझदार हो। हाँ समझदार तो मैं बहुत हूँ। अब देख बिटिया, तू बड़ी बहन है इसलिए है ना तुझे तो इसके प्रिया के भी सूट लाना पड़ेगा, हैं मेरे कपड़े लाने पड़ेंगे, अपने जीजाजी के कपड़े और इसके नंद के कपड़े, और हाँ हमारे छोटू के 5 जोड़ी कपड़े ले आना। और हाँ ऐसा करियो, गिफ्ट विफ्ट में तू देख लियो क्या लेके आएगी, वो तो अपने हिसाब से ले आना। हे भगवान कितनी चालू है बुढ़िया, मैं तो पूछ के गलती कर दी। हेलो हाँ हाँ मौसी जी, मौसी जी और कुछ लाना हो तो बता दो, वो भी कुछ रह गया हो तो। हाँ और वो शगुन के लिफाफे जरूर देने हैं तुझे, वो तो तू अपने हिसाब से देख लियो, वैसे तो तू बड़ी बहन है, जरा सोच समझ के देखना। अच्छा ठीक है मौसी जी, ठीक है ले। मम्मी जी मुझे भी बता दो मुझे क्या लेकर आना है,
अब मैंने तो कुछ खरीदा नहीं है, मैंने यही सोचा कि वहाँ जाऊँगी तो वहीं खरीद लूँगी पूछ के आपसे। अरे तुझे कुछ ज़रूरत नहीं है खरीदने की, क्यों खर्चा कर रही है? वाह मम्मी जी बहुत बढ़िया। अरे क्यों खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है दीदी को? क्या वो बुआ नहीं है लाला की? क्या उनका हक नहीं बनता लाला को गिफ्ट देने का? अरे बहन बेटियों से खर्चा नहीं करवाते। क्यों? अभी तो आपने बताई है मेरी बहन को इतनी लंबी लिस्ट कि ये लाना है कि वो लाना है। हाँ तो? अरे ये तो इस घर की बेटी है, गुड्डू की बहन है ये। तो मम्मी जी वो भी मेरी बहन है, जब उनको आपको सामान देना पड़ा तो आप ये आए गए कपड़े उनको पकड़ा रही हो, और जब लेने की बारी आई तो आपने इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी उनको। क्या लाला उन्हीं का ही कुछ लगता है? हमारी नंदरानी का कुछ नहीं लगता? जब बेटी को देने की बारी आ रही है सूट की तो आप उनकी पसंद के कपड़े दिलवा रही हो, और जब उनसे सामान लेने की बारी आ रही है तो आप कह रही हो कि खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटी तुझे। क्यों मम्मी जी? सारी उम्र के बहू के मायके वालों ने ठेका ले रखा है खर्चा करने का। बहुत ज़्यादा मत बोल, थोड़ा जबान संभाल ले। अरे बेटियों को तो इज्जत देना पड़ता है, इसको तो ससुराल में जाके दिखाना पड़ेगा। क्या कहेगी इसकी सास कि मायके में गई थी अपने भतीजे के फंक्शन में, क्या दिया है इसकी माँ ने? अच्छा तो आपने मेरी जो बहनों से इतना सारा सामान मंगवा रही हो हैं, वो इतना खर्चा करके आ रही हैं क्या? और जब ये यहाँ से सस्ता सा सूट लेकर जाएंगे अपनी ससुराल में, उनकी सास नहीं कहेगी कि तू इतना खर्चा करके गई थी, क्या दिया तेरी बहन ने, ये सस्ता सा सूट ही पकड़ाया है? मम्मी जी मैं रेणु दीदी को सामान देने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं बस यही कह रही हूँ कि आप है ना दो हाथ मत करो। मम्मी जी रेणु दीदी का तो पता नहीं कितने मौके पड़ जाएंगे देने को मुझे, पर मेरी बहनों का तो एक आधी मौका पड़ेगा। मम्मी जी जैसे रेणु दीदी इनकी बहन है ना, वो भी मेरी बहन है, ये मत भूलो आप।